देखो ये 401, ये इस पे अपन करेंगे डिवाइड, तो कैसे करेंगे, 4041, यहाँ पे अपन 4 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, अब 4 में से 4 गए कुछ नहीं, अब ये 0 का लिया, तो 0 में जाता है क्या, नहीं, तो 0 का 0, ठीक है, फिर 4 4, अब फिर ये 4 लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 में से 4 गए कुछ भी नहीं, 0 बचेगा, और ये फिर 1 का 1 लिख लेंगे अपन, ठीक है, ये 1 का 1 लिखा है, तो अब देखो ये अब भाग जा रहा है क्या इसमें, अब कोई डिवाइड हो रहा है नहीं, क्योंकि 1 से नहीं जाता है, तो भाई नहीं जा रहा है, तो यहाँ 0 लिख दो, ठीक, आगे मतलब हम सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे फिर वो अपने को डेसिमल लेना पड़ेगा, दशमलव लेकर के फिर आगे जाता है, अब इसमें आंसर की जांच करने को बोला है, तो 1010 लिखेंगे, अब यहाँ पे 4 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 0 0 ही आएगा, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 1 जा 4, और ये जो 1 आया था, ये जो रिमाइंडर होता है, इसको प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे 1 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 का 1, 4 का 4, 0 का 0, 4 का 4, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 1 1, ये यहाँ पे ये 1 लिखा है थोड़ा सा वो, ठीक, यही वाला आंसर आता है, तो इसको कैसे आंसर की जांच, अपन कैसे इसके आंसर को अपन को चेक करना पड़ेगा, तो ये चेक होता है आंसर, जैसे अभी अपन ये वाले सम करें, तो इसमें चेक करना है आंसर को, तो कैसा हो जाएगा, ये लिखा है 264 है ना, ये आंसर आया ना, तो इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अब आंसर क्या आता है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 का 2 कैरी ओवर 1, फिर 2 2 जा 4, 4 और 1 5, अब इसमें क्या कर देंगे अपन, ये जो रिमाइंडर क्या आया था 1, तो रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, अब देखो 1 और 8 या 8 और 1 क्या हो गया, 9 9 हो गया, और ये 2 का 2, 5 का 5, तो ये वाला आंसर यहाँ पे देखो आया, है ना, तो ये अपने आंसर को चेक करना चाहिए, जो रिमाइंडर है उसको क्या कर देंगे, प्लस, रिमाइंडर को क्या करना है, प्लस, जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, और जो ऊपर का रहता है ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन, है ना, और ये रिमाइंडर, तो आपको ये याद रखना है, और ये पूरे सम को अच्छे से फिर से करना है, ओके।